खिलाफत उस्मानिया की बात की जाए तो शुरुआत काई कबीले से होगी। जी हाँ दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब तुर्क कबीला बनाकर रहते थे। ये सब खाना बदोश थे। काई कबीला बाकी कबीलों से बहुत मजबूत और ताकतवर था। काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह बहुत नेक और बहादुर था। सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद अर्दगल इस कबीले का सरदार बना। ये वक्त बहुत ही मुश्किल था, मंगोल हमला आवर हुए थे। अर्दगल ने अपने कबीले को साथ लेकर सलजोकी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। सलजोकी सल्तनत के सुल्तान ने अर्दगल और इस कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजोल के करीब जगह दी और अर्दगल ने वहाँ से इलाके फतह करना शुरू किए। 90 साल की उम्र में अर्दगल का इंतकाल हुआ। इसके बाद अर्दगल का बेटा उस्मान तख्त नशीन हुआ। उस्मान ने भी फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाया और अपने नाम से एक सल्तनत कायम की जो कि आज भी लोगों को याद है, खिलाफत उस्मानिया, जिसको अंग्रेज़ी में ऑटोमन एम्पायर के नाम से ही जाना जाता है।